गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। आइए आज फिर से हम लोग एक मराठा साम्राज्य के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करें। आज हम लोग जो सीखेंगे वो है मराठा साम्राज्य के छत्रपति वीर शिवाजी द्वारा लगाए गए दो प्रमुख टैक्स। ये दोनों टैक्स एक दूसरे के बीच में इस प्रकार से कन्फ्यूजिंग है कि छात्रों के लिए समस्या बने रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के क्लास के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और जैसे जैसे कन्फ्यूजन दूर होंगे आप लक्ष्य के प्रति उतना ही नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं शिवाजी द्वारा लगाए गए दो प्रमुख टैक्स को। उनका जो पहला टैक्स है वो है चौथ और दूसरा का नाम है सरदेशमुखी। लेट अस अंडरस्टैंड द रेट ऑफ द चौथ। चौथ का रेट क्या है? चौथ का मतलब है एक चौथाई और एक चौथाई का मतलब होता है 25%, आने की चौथ में 25% टैक्स लिया जाता है। दूसरी बात अगर हम सरदेशमुखी की करें तो सरदेशमुखी का मतलब 1/10 टैक्स लिया जा रहा है और 1/10 का मतलब है 10%। तो पहले तो रेट क्लियर हो गया है और जब अब हम फिर चौथ के बारे में बात करें कि चौथ बेसिकली क्या था तो हम देख पाएंगे, इसको यदि हम समझेंगे तो चौथ एक दमनकारी टैक्स है। दमनकारी का मतलब ये होता है कि जनता से जोर जबरदस्ती टैक्स वसूल करना। और आप जब इस बात को समझ रहे हैं कि कोई राजा यदि जनता से जोर जबरदस्ती टैक्स वसूलता है, इसका मतलब वो राजा जनता के लिए वो लोकप्रिय हो जाता है। और संभवतः चौथ के वजह से जो मराठा साम्राज्य के जो राजा हैं छत्रपति, उससे जनता नाखुश रहता है। पहले समझे तो कि आखिर चौथ है क्यों। तो चौथ बेसिकली शिवाजी क्यों लेते हैं, इसका एक वंडरफुल कंसेप्ट है। शिवाजी का मानना है, उसको मैं एक बार पढ़ दूं और फिर उसको डिफाइन करूं तो हमको लगता है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहते हैं कि हिंदू वो मुसलमान शासक मराठा को खुश करने के लिए यह चौथ देता था, ठीक है, ताकि उसके प्रांत में लूटपाट व उपद्रव ना मचाए। पूरी राजस्व वसूल करने हेतु बल का प्रयोग होता था, जिससे मराठा की लोकप्रियता घट गई, जिसकी चर्चा हमने किया कि अगर आप जबरदस्ती टैक्स वसूल करेंगे तो आपकी लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। यह एक दमनकारी टैक्स है, जैन सरकार ने माना है। और टैक्स लेने का प्रविधि क्या है, क्यों वीर शिवाजी छत्रपति क्यों लेते हैं टैक्स, तो उनका कहना है कि तीसरी शक्ति से आक्रमण जब होगा तो उससे मैं रक्षा करूंगा। बेसिकली इसको यदि हम पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है तो हम एक सिंपल एक लाइन देते हैं और उसको यदि समझें तो आपको मजा से समझ में आएगा कि चौथ बेसिकली क्या है। चौथ में शिवाजी का अगर हम एक सेंटेंस में बात करें कि क्या कहना चाहता है, तो वो कहना चाहते हैं कि चौथ आप मुझको इसलिए दे रहे हैं कि मैं आपके साम्राज्य में लूटपाट ना करूं। और दूसरी बात, दूसरा भी कोई लूटपाट आपके साम्राज्य में ना करे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चौथ इसी का नाम है। फिर से एक बार सुनिए तो ज्यादा आपको मजा आएगा। शिवाजी इस बात की गारंटी देता है, वो कहते हैं कि देखो मैं लुटेरा हूं, मैं किसी के साम्राज्य में लूटपाट कर सकता हूं, आपको बचना है तो चौथ दीजिए। तो प्रश्न उठता है कि वो जो चौथ देने वाले जो कमजोर राजा होंगे या कहीं साम्राज्य के गवर्नर होंगे वो क्यों देंगे, उनका तो फिर अगर शिवाजी लूट के चले गए दूसरा भी लूटने आ जाएंगे। तो वहां पे शिवाजी फिर से कमिट करते हैं कि मैं तो नहीं लूटूंगा अगर आप चौथ देंगे तो, और दूसरा भी अगर कोई आएगा तो उसको भी मैं लूटने नहीं दूंगा, उससे भी मैं रक्षा करूंगा। तो बेसिकली अगर हम इसको रिफाइन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि शिवाजी वादा करते हैं कि न मैं लूटूंगा न मैं लूटने दूंगा, इसके लिए आप चौथ दीजिए। तो आई होप चौथ इज वेरी क्लियर। जैन सरकार ने इस चौथ वसूलने की प्रक्रिया को दमनकारी माना, क्योंकि अब लूटने की बात करेगा तो लोग डर से दे रहा है, ठीक है। अब आ जाइए सरदेशमुखी की तरफ। सरदेशमुखी का एक अलग कंसेप्ट है, यह एक अतिरिक्त कर था, एक एडिशनल टैक्स था। नॉर्मल टैक्स जो था भूमि कर है, चौथ है, इसके अलावा एक टैक्स है, उसका नाम है सरदेशमुखी। और सरदेशमुखी का मान है 1/10, मतलब 10%। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत देशमुख, देश का जो वंशानुगत देशमुख यानी मुखिया होने के नाते लोगों के हितों की रक्षा के लिए यह टैक्स लिया जाता है। यहाँ पे शिवाजी
जो वो जो क्षेत्र है जहां पे वो टैक्स वसूल रहा है, टैक्स वसूलने की जिस एरिया में वो बात कर रहे हैं, उस एरिया का वो अपने आप को मुखिया बताते हैं, सरदेशमुख बताते हैं। वो कहते हैं कि इन सभी जमीन पर मेरे वंश का अधिकार है, वंशानुगत इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों की रक्षा करूं, और अब मैं रक्षा करूंगा चूंकि मेरा ये वंशानुगत जमीन है, इसलिए इस पर मैं टैक्स लूंगा। कितना? 1/10। आई होप कि आज आप लोगों को चौथ और सरदेशमुखी में अंतर समझ में आया होगा। चौथ क्या कह रहा है कि ना मैं लूटूंगा ना लूटने दूंगा। सरदेशमुखी कह रहा है कि चूंकि यह जमीन मेरा है, यह भूभाग मेरा है, इस पर मेरे वंश का अधिकार है, इसलिए आपको रक्षा करना, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो आप हमको दीजिए 1/10 जो कि एडिशनल टैक्स होगा। आई होप कि आप लोग ने इस कंसेप्ट को एंजॉय किया होगा। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।